हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लेसन 9 के क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हमें करना क्या है। सिंपल, अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन में तो बोला गया है कि एक स्टैच्यू है जो सिंपल क्या किया गया है, एक पेडिस्टल के ऊपर स्टैंड किया गया है। पेडिस्टल मतलब वो प्लेस जहां पे हम लोग मूर्ति को खड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेडिस्टल। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है कि ये जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू के टॉप से सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जिसके अंदर कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद बोला गया है कि ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल से भी सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जिसके अंदर कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हमें लास्ट में यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो सिंपल ये पेडिस्टल है ना, इस पेडिस्टल की सिर्फ हाइट कितनी होगी। इट मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि ये कितना होगा। क्लियर? हम ये गिवन में देख रखा है, हमें ये फाइंड करना है। क्लियर? तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेडिस्टल। तो पेडिस्टल है क्या, सिंपल यहाँ पे क्या है आपका, बीसी। तो हम ये गिवन में कुछ नहीं देख रखा है, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर सकते हैं इसको, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल्स। तो मैं इसको लेट कर रहा हूँ क्या, एच। ठीक है, ओके। जो पेडिस्टल है ना, उसकी हाइट को मैंने यहाँ पे क्या लेट कर लिया है, एच। और ये वैसे पेडिस्टल का क्या नेमिंगकरण करिए हम लोग, तो बीसी। तो बीसी क्या हो गया हमारे पास, सिंपल एच हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल कौन सा बी सी डी को अगर फाइंड करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये बेस मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल बी सी डी को फाइंड करते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल बी सी डी के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो बेस और हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या देके रखा है, एच हमें गिवन में देके रखा है ना, हम लोगों ने यहाँ पे लेट किए हैं इसको। तो देखिए, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो सिंपल टेन है ना। तो हम लोग यहाँ पे टेन ले लेते हैं, टेन। और यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा हमारे पास है 45, तो टेन 45 डिग्री, ओके। अब क्या होता है यहाँ पे इस टेन का सिंपल फॉर्मूला, तो सिंपल क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, तो ये है बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी। एंड बेस कितना हमारे पास है, डी सी, तो ये हो गया आपका डी सी। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर टेन 45 कितना है आपके पास, 1, तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 लिख लिए। अब बी सी, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितना हम लोग लेट किए हैं, एच, तो ये हो गया आपका एच। अब DC, तो DC का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख दिए। आगे बढ़ते, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे सिंपल हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे DC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो DC ही रह जाएगा, एंड यहाँ पे H जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे H ही आ गया। इट मीन्स यहाँ पे ये DC की वैल्यू सिंपल क्या आ चुका है हमारे पास, H आ चुका है। अब सिंपल अगर आप लोग चेक करने जाएंगे, तो हम लोग ने ये फाइंड कर लिया, तो बेस हमें यहाँ पे वापस क्या मिल चुका है, अगेन एच मिल चुका है ना। तो अब हमें बेस मिल चुका है, अब हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ए सी डी का यूज करके हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं ना, ये पूरा। क्लियर? तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ए सी डी का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल ए सी डी के अंदर अगेन हमें फाइंड क्या करना है, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना। यहाँ पे ये इसके अंदर आता है, बेस हमें गिवन में है। तो देखिए, परपेंडिकुलर और बेस का हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर मिल रहा है, तो अगेन टेन आ गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे टेन ही यूज कर लेंगे। इस बार हमारे पास थीटा कितना है, तो यहाँ पे है 60, तो ये हो गया आपका 60। आगे तो यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस बार हमारे पास क्या है, तो इस बार हमारे पास है ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। एंड बेस हमारे पास कितना है, DC, हमारे पास आ गया DC। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए tan 60, तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास टेबल के अंदर कितना देके रखा है, √3, तो यहाँ पे आ गया आपका √3। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए AC, तो AC किससे किससे मिलके बना है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं AC जो है AB प्लस BC से मिलकर बना है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस AC के प्लेस पे क्या, AB प्लस BC, और नीचे में जो आपका DC है, ये DC एज इट इज, DC की वैल्यू ऐसे हमें यहाँ पे मिला है कितना, H, तो यहाँ पे आ गया आपका H। क्लियर? अब मैं इसको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो सिंपल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे √3 जो है वो तो एज इट इज रह जाएगा। अब AB, तो AB की वैल्यू सिंपल हमारे पास कितना है, 1.6, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1.6।
प्लस बीसी, तो बीसी को हम लोगों ने यहाँ पे लेट किए हैं कितना एच, तो यहाँ पे आ गया आपका एच एंड नीचे में क्या आ गया आपके पास अगेन एच। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद सिंपल क्या बन जाएगा अंडर रूट थ्री एच एंड यहाँ पे ये जो है ये तो वन से नीचे कुछ नहीं मतलब वन से मल्टीप्लाई होने के बाद ये एज इट इज रह जाएगा तो 1.6 प्लस एच। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है ये जो कॉमन है उसको एक साइड ले सकते हैं तो ये भी एच और यहाँ पे भी एच तो मैं इसको इस साइड भेज देता हूँ तो ये एज इट इज एंड ये प्लस में है इज इक्वल टू किस अगर क्या हो जाएगा आपका माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। ओके अब यहाँ पे अगर देखेंगे सिंपल तो देखो ये दोनों के अंदर एच कॉमन है एच जो है वो सिंपल बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बच चुका है तो अंडर रूट थ्री यहाँ पे एच बाहर आ गए हैं तो कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ पे सिंपल क्या है वन ठीक है इज इक्वल टू 1.6। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एच की है ना कि एच कितना है तो यहाँ पे सिंपल ये मल्टीप्लाई में एच के साथ में इज इक्वल टू के साथ आकर क्या हो जाएगा 1.6 के साथ में डिवाइड तो यहाँ पे एच एज इट इज 1.6 यानी मल्टीप्लाई इधर पे डिवाइड। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है बट कभी भी हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट में आंसर नहीं होना चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं सिंपल डिनोमिनेटर को अपर साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन चेंज करके है ना तो यहाँ पे अंडर रूट थ्री माइनस है यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे भी आपका अंडर रूट थ्री प्लस वन। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद तो एज इट इज रह जाएगा तो ये अंडर 1.6 मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट थ्री प्लस वन। अब अगर डाउन साइड आप देखेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी तो सिंपल क्या होता है आपके पास इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास कितना है अंडर रूट थ्री एंड बी की वैल्यू हमारे पास कितना है वन तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास थ्री यानी हो जाएगा हमारे पास वन। आंसर कितना जाएगा हमारे पास सिंपल थ्री में से वन गया टू तो यहाँ पे नीचे साइड हम लोग लिख सकते हैं टू है ना। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे वन जा एंड 0.8 है ना तो यहाँ पे आंसर फाइनल कितना आ चुका है 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट थ्री प्लस वन मीटर। ओके उसमें से यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो ओके क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ द पेडिस्टल है ना वो कितना हो चुका है 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट थ्री प्लस वन मीटर ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच।